पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर ने भारत को चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, अगर लोकसभा चुनाव से पहले भारत ने 2019 में हुई बालाकोट स्ट्राइक जैसा हमला किया तो पाकिस्तान इसका वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 में दिया था। भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव की टूरिज्म बॉडी ने भारत की ईज माई ट्रिप कंपनी से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स ने मंगलवार को कहा, भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। साउथ अमेरिका के देश इक्वाडोर में मंगलवार को हथियारों के साथ कुछ लोग इक्वाडोरियन टेलीविजन स्टेशन टीसी के लाइव ब्रॉडकास्ट में घुस गए। उन्होंने एंकर पर बंदूक तान दी। इस दौरान लाइव शो में लोगों के चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाज़ भी सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में ठंड और घने कोहरे का सिलसिला जारी है। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में मंगलवार को इस साल पहली बार बर्फबारी हुई। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद कुकुमसेरी में -8.6 डिग्री, कुफरी में -0.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में एक स्कूल बस से रेस्टोरेंट संचालक दीपक चावला को कुचलने के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को परिजन ने रहवासियों के साथ माणिक बाग रोड पर चक्का जाम कर दिया। बता दें आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। पिछले दिनों साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट भारत के टॉप रन स्कोरर थे। उन्होंने 172 रन बनाए थे। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें 3 स्थान का फायदा हुआ और वे 90वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गए। टीम इंडिया के युवा बैटर श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी मैच खेलते नजर आएंगे। मुंबई ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया। टीम 12 जनवरी से आंध्र प्रदेश के खिलाफ एलिट ग्रुप में अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। आमिर खान की बेटी आयरा और फिटनेस एक्सपर्ट नुपुर शिखरे की डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर के ताज और अरावली रिजॉर्ट में चल रही है। मंगलवार रात को संगीत सेरेमनी होस्ट की गई जिसमें आमिर खान ने स्पेशल परफॉर्मेंस दी। संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का मंगलवार को निधन हो गया। वे 55 साल के थे। उन्होंने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे समय से वे प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे।